आजकल जो माहौल है सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर, एक्ट को लेकर, और जिस तरह से हिंसा हो रही है पूरे देश भर में, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? मेरा स्टैंड यही है कि मैं देश के साथ हूँ एंड आप देख रहे हैं देश में जो माहौल है, जिस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हक उनसे छीना नहीं जा सकता है. एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ द पीपल हु हैव कम आउट एंड वॉइस देयर ओपिनियन एंड आई एम विद देम, आई एम विद द पीपल. या अच्छा, एक सवाल और कि जब भी ऐसा कोई संजीदा मामला होता है या कोई कंट्रोवर्सी होती है, तो हमने देखा कि बॉलीवुड के बहुत कम सितारे बाहर निकलते, बड़े बड़े सितारे नहीं आते हैं प्रोटेस्ट में. क्या कुछ कहना चाहेंगे, हालांकि अभी प्रोटेस्ट हुआ था तो काफ़ी लोग आए थे, क्या कुछ कहना चाहिए, क्या कुछ डर है लोगों के मन में कि लोग नहीं आते बॉलीवुड से? डर नहीं होता, फिर वो चीज़ उनके बारे में हो जाती है, फिर सारे कैमराज उन पर आ जाते हैं, बाकी लोगों की आवाज़ कहाँ जाएगी फिर? तो अगर ये बात लोग समझ सकते हैं कि वो लोग भी एज पार्ट ऑफ द क्राउड आए हैं, तो बिल्कुल लोग आते, बट ऐसा कभी कभी होता नहीं है, थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है दूसरे लोगों के लिए जो वहाँ पर मौजूद है. तो आई थिंक मे बी दैट्स वाई ज़्यादा लोग नहीं आ पाते, बट इफ़ इट वॉज मेड टू बी कि वो भी यू नो भीड़ में एज अ वॉइस इन द टोटैलिटी ऑफ इट अगर देखे जाए, तो दे वुड आई वुड ऑल्सो लव टू बी देयर. सॉरी, मेरे सवाल का मतलब ये था कि पीपल डोंट वॉइस देयर ओपिनियन और वॉइस देयर, नो, हूएवर वांट्स टू वॉइस विल वॉइस, हूएवर डजंट वांट टू वॉइस दे वोंट वॉइस. आई मीन दैट इज ऑल्सो आफ्टर ऑल अ राइट दैट दे हैव. जिनको कहना है वो कहेंगे, जो नहीं कहना है वो नहीं कहेंगे. ओके सोनाक्षी, मैं आल्सो कांग्रेचुलेशंस दबंग को, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला फर्स्ट डे 24 करोड़ के भी ऊपर. सो हाउ, व्हाट काइंड ऑफ कमेंट्स यू हैव गॉट अंटिल नाउ? I've got a great response, honestly. मेरे सारे दोस्त जाके देख कर आए हैं सिंगल स्क्रीन्स में और मुझे वीडियोज़ भेजे उन्होंने, एंड इट्स ट्रेमेंडस. जो हाल पहली फिल्म में था, जो दबंग, मैं खुद गई थी चंदन थिएटर में एक सिंगल स्क्रीन में देखने, और जो माहौल तभी था वो मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि आज भी वैसा है, शायद ज़्यादा है. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट एंड बहुत खुशी की बात है मेरे लिए दबंग 3, ऑब्वियसली. सो इट्स वेरी वेरी स्पेशल. ओके सोनाक्षी, मैं और एक जानना चाहूँगा, ज़्यादा अगर कलेक्शन होते थे बट ड्यू टू पायरेसी ऑनलाइन लीक हो चुके हैं ये मूवी, इसके वजह से कम हो रही है कलेक्शन. सॉरी, क्या? हाँ जी, आई मीन जी, माहौल जैसा है देश में, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ पायरेसी, हम तो कब से बोलते हैं अरे कि डोंट वॉच पायरेटेड फिल्म, हमारी इंडस्ट्री को बहुत हिट लगता है, बहुत यू नो नुकसान होता है. बट ऑफकोर्स माहौल भी ऐसा देश का है कि आई डोंट थिंक, आई थिंक पीपल नो वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट ऑनेस्टली. क्योंकि ये जो मुद्दा है, सारे देश ने एक साथ मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, एंड या इट्स डेफिनेटली मोर इम्पॉर्टेंट देन अ फिल्म. ओके, क्रिसमस की बात करें तो कोई एक ऐसी कोई मेमरीज या शेयर करना चाहे कोई क्रिसमस की? अभी ऐसे तो हर साल कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है क्रिसमस पर, बट आई थिंक जस्ट इट्स ऑल अबाउट टुगेदरनेस. या हर फेस्टिवल इनफैक्ट आई फील यू नो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और अब परिवार ज़्यादा बढ़ गया और बच्चों के साथ, व्हेनेवर आई कैन आई ट्राई टू स्पेंड क्रिसमस, तो इट्स ऑलवेज अ स्पेशल फीलिंग.